हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शशि आज आपको एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम के बारे में बताने जा रहा हूँ। आजकल कंप्यूटर्स में ये प्रॉब्लम बड़ी कॉमन होती है क्योंकि आजकल मॉइस्चरी वेदर होता है, ठंड का मौसम होता है, तो ये प्रॉब्लम आती आती है, हर एक को फेस होती है। तो कई बार क्या होता है कि आप लोग जब इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हो तो वहाँ पे एक मैसेज आता है सिक्योरिटी रीजन का वजह से। देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला है, तो यहीं पर जब आप वेट करोगे थोड़ी देर में आपको एक मैसेज नजर आएगा। ये देखिए, यहाँ पे एक मैसेज आ गया है, द आइडेंटिटी ऑफ योर वेबसाइट और इंटरनेट ऑफ द कनेक्शन कैन नॉट बी वेरीफाइड। तो जब आप इसको नो भी कर देते हो तब भी ये दोबारा आएगा। जैसे सपोज करो मैं कोई यहाँ पे साइट खोलने जा रहा हूँ, अभी मैं गूगल खोलता हूँ। ये देखिए, मैंने गूगल टाइप किया है, गूगल खोला है, लेकिन यहाँ पे गूगल खुलेगा नहीं। ये आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा, देयर इज ए प्रॉब्लम विद द वेबसाइट सिक्योरिटी सर्टिफाइड। इसके दो चीजें होते हैं इसको सोल्यूशन करने के लिए। देखिए, या तो एक सोल्यूशन है कि इसको आप यहाँ पे कंटिन्यू टू द वेबसाइट नॉट रिकमेंडेड कर दीजिए, तो क्या होगा कि ये आपकी जो साइट खोली है वो साइट खुल जाएगी। ये देखिए, मैंने गूगल टाइप किया था, वहां पे क्लिक करने के बाद ये खुल गया है। लेकिन इससे होगा क्या, ये प्रॉब्लम जो है वही की वही रहेगी, इसका सोल्यूशन नहीं हुआ है, ये अगेन एंड अगेन आपको फेस होती रहेगी। देखिए, दोबारा फिर वही चीज मैंने बंद करके दोबारा खोला इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो वो जो प्रॉब्लम है दोबारा फिर से अपग्रेड हो रही है। ये देखिए, दोबारा फिर से आ गई है, मैंने फिर से नो पे क्लिक किया है, दोबारा फिर मैं गूगल लिख रहा हूँ, यहाँ पे गूगल पे क्लिक किया, मैंने एंटर किया है, तो दोबारा से फिर वही प्रॉब्लम आ गई। तो इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए बस वही बताने जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, छोटी सी चीज है। आपको करना क्या है, आपको यहाँ राइट हैंड साइड पे आना है, बिल्कुल जो आपका कंप्यूटर का जो टास्क बार होता है राइट हैंड साइड पे आइएगा। यहाँ पे डेट एंड टाइम है, ये आपको नजर आ रहा है, देखिए इसको क्लिक कर लीजिए सिंगल क्लिक। यहाँ पे आपको टाइम दिखा रहा है वो थर्सडे जनवरी 14, 2010, तो इसको आपने चेंज करके करंट डेट पे करना होता है सिर्फ। देखिए, चेंज एंड डेट एंड टाइम सेटिंग पे जा रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे चेंज डेट एंड टाइम पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद ये आप देखिए यहाँ पे जनवरी 2010 लिखा है, इस पे क्लिक करना है, अगेन एक बार फिर से 2010 पे क्लिक करना है, उसके बाद ये आपको 2017 चूज कर लेना है, जो करंट डेट होगी, करंट मंथ होगा, उसी को आपने चूज करना है। दिसंबर कर रहा हूँ, आज 14 तारीख है, 14 पे कर रहा हूँ, और टाइम बिल्कुल सही है, तो उस पे ऐसे ही क्लिक करना है, ओके करना है, और उसको सेव करके बाहर आ जाना है। अब देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ डेट और टाइम सेव की है, उसके बाद मैं दोबारा आपको देखिए वही इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल के दिखा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ नहीं आएगा, आपका जो एक्सप्लोरर है वो बिल्कुल सही चलेगा। ये देखिए, मैंने वहां पे क्लिक किया, सिक्योरिटी ऑप्शन पहले नहीं आया, अब दोबारा मैं गूगल खोलने जा रहा हूँ। ये देखिए, गूगल पे एंटर करूंगा तो ये गूगल ऑटोमेटिकली अपने आप खुल जाएगा, कोई सिक्योरिटी रीजन नहीं पूछेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, देखते रहिएगा प्लीज, मेरी वीडियोज लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा और कमेंट्स करते रहिएगा प्लीज। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट्स कर दीजिए, उसका मैं आपको सोल्यूशन आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।